हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 25 में यार देखो, क्वेश्चन में बोला है कि प्रीवियस प्रॉब्लम के सेटअप को एक एलिवेटर में डाल दो जिसका एक्सेलरेशन जो कि नीचे जा रहा है, जो कि नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए विच इज़ लेस देन जी। ठीक है, तो इस पूरे सेटअप को मैं क्या करूँगा, एक लिफ्ट के अंदर डाल दूंगा। तो एक लिफ्ट बना लेते हैं अपन, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो ये सब कुछ ऑलरेडी सॉल्वड है, बस लिफ्ट के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है ना। अब मैं काम करूंगा, यहां पर लिफ्ट फ्रेम में बैठ जाता हूं, लिफ्ट जा रही है ऊपर नीचे, है ना, लिफ्ट तो जाएगी नीचे या ऊपर। तो लिफ्ट बेसिकली एक्सेलरेटेड है वाई डायरेक्शन में, तो उससे एक्स डायरेक्शन का तो कोई नाता है नहीं। और प्रीवियस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछा था, और फोर्सेस भी कहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला था, इस एफ की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में एक्स डायरेक्शन में ही तो है ना वो। ठीक है, तो अगर अपन लिफ्ट फ्रेम में बैठ जाएंगे तो भी अपना आंसर नहीं बदलेगा। आंसर बदलेगा क्या, बेसिकली जी बदल जाएगा। जी कैसे जी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एम जी लगाऊंगा और लिफ्ट जा रही नीचे है एक्सेलरेशन से, तो ऊपर की तरफ क्या लगाऊंगा, एम ए लगाऊंगा, सीडो फोर्स। यानी कि नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आ गया, एम जी माइनस एम ए। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एम इंटू जी माइनस ए, जिसको मैं बोलता हूँ एम इंटू जी इफेक्टिव। तो बेसिकली जो जी इफेक्टिव है हमारा वो कितना हो गया, जी माइनस ए। समझ में आ रही है बात, जी इफेक्टिव के बदल जाने से सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा जो कि वाई एक्सिस में है, जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। तो प्रीवियस आंसर में जहां जहां पर जी है वहां वहां पर जी माइनस ए डाल दो, खत्म। और अगर किसी की सॉल्व करने की इच्छा है तो फिर से सॉल्व कर सकता है वो। बस फर्क क्या पड़ जाएगा कि इस सरफेस पे पिछले बार जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी कितनी, म्यू इंटू एम जी थी, क्योंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या था, एम जी था। और यहां पर इस क्वेश्चन में जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर पार्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 में, वो हो जाएगी म्यू इंटू एम इंटू जी माइनस ए, बस। और कोई फर्क नहीं है। इवन अगर आप इसको ग्राउंड फ्रेम से भी करना चाहोगे तो भी क्या करोगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालना ही पड़ेगा आपको, है ना। और मैं मान लेते हैं ऊपर वाले ब्लॉक एम का एफबीडी बनाता हूँ, तो क्या करूँगा, नीचे लगाऊंगा एम जी, ऊपर लगाऊंगा एन, और ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो क्या लिखूंगा, क्या लिखेंगे अपन, कि भैया एम जी माइनस एन इज नेट फोर्स विच विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई भैया, एम जी माइनस एम ए आई। ठीक है ना, तो हर चीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल गया, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की बदल जाने की वजह से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बदल गई, बट बाकी सारी की सारी इक्वेशंस सेम है। ठीक है ना भाई, बस ऊपर वाले आंसर में जी की जगह जी माइनस ए रख दो, खत्म खेल, है ना। पूरा वापस रिपीट सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता, है ना। तो थैंक यू।